हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विजुअल परसेप्शन का, जिसमें टॉप डाउन प्रोसेसिंग थ्योरी और बॉटम अप प्रोसेसिंग थ्योरी के बारे में जानेंगे, जो कि विजुअल परसेप्शन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, इंसानों में जो इंफॉर्मेशन हासिल करने के बेसिक जरिया है वो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। और इन सेंस ऑर्गन में जो सबसे मेन ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे ईयर, नोज और आईज होते हैं। लेकिन ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे एक सेंसरी सिस्टम के साथ जो है जुड़े हुए होते हैं, जिससे हम वो सेंसरी ऑर्गन्स जो है इंफॉर्मेशन को रिसीव करती हैं और उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाती हैं। लेकिन विजुअल परसेप्शन में क्या हो रहा है कि विजुअल परसेप्शन में कुछ साइकोलॉजिस्ट अभी भी इस चीज को फिगर आउट करने में लगे हुए हैं कि हमारी ये जो इंफॉर्मेशन जो कि हमारे ब्रेन तक ट्रांसफर होती है, ये किस तरह से सेंसरी ऑर्गन्स में आती है और किस तरह से हमारी परसेप्शन क्रिएट होती है। अगर हम दूसरे लफ्जों में बात करें तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि आप किसी भी चेयर को उस टाइम परसीव करते हैं जब आपकी आंखों पे उस चीज की रोशनी पड़ती है, या आप किसी भी साउंड वेव को जब सुनते हो तो आपको कैसे मालूम हो जाता है कि ये साउंड फला बंदे की है या फला चीज की ये साउंड है। तो साइकोलॉजिस्ट बेसिकली अभी भी इस चीज से डिसएग्री कर रहे हैं कि हमारी जो परसेप्शन है ये डिपेंड कर रही है उस चीज की स्टिमुलस, यानी उस स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन पे डिपेंड कर रही है। यानी हमारी जो परसेप्शन बनती है ये किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन की वजह से है। तो इस थ्योरी को सॉल्व करने के लिए टू टाइप्स ऑफ थ्योरीज दी गई है, एक टॉप डाउन प्रोसेसिंग थ्योरी और एक है बॉटम अप प्रोसेसिंग थ्योरी। सबसे जो पहली है टॉप डाउन प्रोसेसिंग थ्योरी। दोस्तों, 1970 में एक साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड ग्रेगरी ने इस चीज पे दावा किया था कि हमारी जो परसेप्शन है वो बेसिकली बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव होती है। जैसा कि जब भी हम किसी एक चीज को देखते हैं तो हमारी जो परसेप्शन है वो हाइपोथाइज्ड हो जाती है, और उस हाइपोथाइज्ड इंफॉर्मेशन पे हमारे जो पहले से मौजूद इंफॉर्मेशन होती है जब वो उस चीज में कंबाइन होती है तो हमारे पास एक करेक्ट इंफॉर्मेशन आती है। दोस्तों, यही चीज टॉप डाउन प्रोसेसिंग थ्योरी कहलाती है, कि टॉप डाउन प्रोसेसिंग थ्योरी जो है बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड कर रही होती है। एक उस चीज की पैटर्न पे, यानी उस चीज के पैटर्न की पहचान करना, और दूसरी हमारी कुछ कॉन्टेक्स्टुअल इंफॉर्मेशन होती है जो कि माइंड में पहले से स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसको इस चीज से समझे कि अगर आप किसी बंदे की एक हैंडराइटिंग को देखते हो और आप हैंडराइटिंग को देखने के बाद उसको ना ही पढ़ पा रहे हो ना ही समझ पा रहे हो, क्योंकि वो बहुत ही बुरी हालत में होती है, यानी हैंडराइटिंग की समझ नहीं आ रही थी। लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद जब आप उस पे फोकस करते हो तो आप एक उसका मुकम्मल सेंटेंस भी पढ़ लेती हो। अब क्या होता है कि देखें, पहले आप एक सिंगल वर्ड भी नहीं पढ़ रहे होते, लेकिन बाद में आप एक पूरा सेंटेंस पढ़ लेती हो। तो इसमें क्या हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उस चीज के पैटर्न को देखा जो कि चीज समझ नहीं आई, लेकिन पैटर्न को देखने के बाद आपके पास कुछ पहले से मौजूद माइंड में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन थी। वो स्टोर इंफॉर्मेशन और वो पैटर्न जब कंबाइन हुए तो आपने एक मुकम्मल सेंटेंस को भी पढ़ लिया। ग्रेगरी एस्टीमेट करता है कि हमारी जितनी भी ज्यादातर इंफॉर्मेशन हमारी आई से आती है, यानी सेंसरी ऑर्गन से आती है, और वो जो जब ब्रेन तक ट्रांसफर होती है तो उसमें 90% इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचती ही नहीं। उस 100% ऑफ इंफॉर्मेशन में 10% इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, लेकिन फिर भी हम किसी भी चीज की रियलिटी को एज इट इज परसीव कर रहे हैं। तो उसकी रीजन क्या है? उसने इसकी यही रीजन बताई कि जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारा माइंड उस चीज के बारे में हाइपोथेसिस बनाना स्टार्ट कर देता है, यानी उस हाइपोथेसिस की बेसिस पे, यानी जिसे हम ये कह सकते हैं इमेजिनेशन या कुछ ख्याल बनाना स्टार्ट कर देता है। उसके साथ जब हमारे कुछ लॉजिकल इंफॉर्मेशन कंबाइन होती है तो हमें एक परफेक्ट और पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पे हम कोई चीज ऐड करते हैं तो हमारे पास एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन जो है मिल जाती है। इसकी जो एग्जांपल या इसको समझने का एक आसान तरीका ये है, इसमें एक एग्जांपल दी गई है नेकर क्यूब की। अगर इस नेकर क्यूब को आप गौर से देखें, अगर आप इस नेकर क्यूब के जस्ट कॉर्नर्स को देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो नेकर क्यूब है ये फ्लिप कर रहा है, यानी ये गोल घूम रहा है, ये फ्लिपिंग के मोड में है।
देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आपने इस पैटर्न को देखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैटर्न आपको नहीं समझ आया, यानी जस्ट आपने क्रॉसेस को देखा, लेकिन आपके माइंड में पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर थी। वो इन्फॉर्मेशन जब इस पैटर्न के साथ मिली तो आपका मालूम हुआ कि ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब की पिक्चर है। तो इसी को टॉप डाउन प्रोसेसिंग थ्योरी कहते हैं, कि हमारा माइंड जो परसेप्शन बनाता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी चीज के पैटर्न को देख के और उस पैटर्न के मुताबिक हमारे माइंड में जो पहले से मौजूद इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कॉन्टेक्स्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, ये दोनों चीजें जब कंबाइन होती है तो हमारे पास एक वैलिड रिजल्ट मिलता है। इसी को टॉप डाउन प्रोसेसिंग थ्योरी कहते हैं। सो आई होप आज की इस वीडियो में आपको टॉप डाउन प्रोसेसिंग थ्योरी के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट थ्योरी बॉटम अप प्रोसेसिंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बॉटम अप प्रोसेसिंग थ्योरी के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय।